बच्चों को भिखारियों की तरह भोजन दिया जाने वाला यह वीडियो देखकर शायद आपका खून खौल उठे। हो सकता है कि आप ये पूछें कि आज के दौर में इस तरह कौन स्कूली बच्चों को खाना बांटता है या अपने घर में किसी को खाना खिलाता है। दरअसल यह मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के कुड़ीला गांव का है, जहां के स्कूल में मध्यान्ह भोजन बांटा जा रहा है। और मध्यान्ह भोजन भी देखिए किस तरह, रोटी को ही यूं लपेट कर या घुमाकर प्लेट की या कटोरी की शक्ल दे दी गई और उसी में भोजन दे दिया गया। आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल कुछ इस अंदाज में सड़क किनारे कुछ लोग भिखारियों को इस तरह का भोजन वितरित करते हैं। क्या ये स्कूली बच्चों को उसी अंदाज में भोजन वितरित किया जा रहा है? भीख मांगने वाले अंदाज में जिस तरीके से इन बच्चों को यह बांटा जा रहा है, इसका बहुत जोर से विरोध होना चाहिए और हो भी रहा है। स्थानीय प्रशासन ने इस पर टिप्पणी की है। दरअसल यूं कहा जा रहा है कि इस स्कूल में बच्चों को अलग से प्लेट लाने के लिए कहा जाता रहा है। सवाल ये उठता है कि जब स्कूल में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है, बर्तन होते हैं, तो फिर अलग से प्लेट लाने की जरूरत ही क्यों? क्यों उन्हें अलग से प्लेट लाने के लिए कहा जाता रहा? जो बच्चे प्लेट नहीं लाते हैं, उन्हें यूं हाथ पर ही भोजन दे दिया जाता है। यह अनाप शनाप तर्क जो हैं, बेहद ही शर्मनाक हैं। मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का है, इसलिए सवाल मध्य प्रदेश के शासन व्यवस्था पर भी उठते हैं कि आखिर क्यों ऐसे दावे किए जाते रहे हैं कि हमारे प्रदेश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था है या अच्छी दूसरी व्यवस्थाएं हैं? वो सरकारी योजनाओं का क्या होगा या क्या होता है जो इन बच्चों की पढ़ाई के लिए लागू की जाती हैं? क्यों एक बड़ी स्कीम जो बच्चों के स्कूल खींचने के लिए या स्कूल की तरफ बुलाने के लिए और गरीब बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए स्कूलों में लागू की गई, उस स्कीम का इस तरह से बंटाडार किया जा रहा है? सवाल उठते हैं और उठेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री हों या अन्य लोग, उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों उनके इस प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश में पिछले 17 सालों से बीजेपी की सरकार है, ऐसे में यह हाल क्यों हो रहा है? देखना यह है कि क्या इस पर कोई सुधार किया जाएगा या फिर कार्रवाई कर रहे हैं यूं कहकर इस मामले को ठंडा कर दिया जाएगा। हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि वह इस मामले की जांच कर रहा है। YouTube पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHIND.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।